My name is Mohammad Manadim and I study in the class 10th. My school is Government High School 2314L. Our today's topic is the structure of molecule. ये मेरे आपके सामने बॉल कलर्स बॉल्स पड़ी हुई हैं और ये जो स्टिक्स भी पड़ी हुई हैं. ये जो बॉल्स हैं ये मतलब एटम को तैयार कर रही हैं और ये स्टिक्स एटम में केमिकल बॉन्ड को तैयार करती हैं. केमिकल बॉन्ड्स मतलब एटम के दरमियान ऐसी फोर्सेज हैं जो कि मुख्य एटम्स को एक मॉलिक्यूल में जोड़ रखती हैं. अब मैं आपके सामने एक मॉडल्स की मदद से मुख्य एटम को जोड़कर एक मॉलिक्यूल बनाने की काबिल मुजाहरा करूँगा. सबसे पहले पानी का एक मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूल फार्मूला H2O है, यानी उसमें एक ऑक्सीजन एटम को हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है. सबसे पहले ये जो रेड कलर की बॉल है ये ऑक्सीजन एटम को तैयार कर रही है और जो व्हाइट कलर की बॉल है ये हाइड्रोजन एटम को तैयार कर रही है. ये स्टिक्स एटम के बाद केमिकल बॉन्ड को तैयार कर रही है. सबसे पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम के साथ केमिकल बॉन्ड के जरिए एक हाइड्रोजन एटम जुड़ जाता है और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बाद एक केमिकल बॉन्ड बन जाता है. उसके साथ फिर एक और हाइड्रोजन एटम केमिकल बॉन्ड के जरिए ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ जाता है और ये पानी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बन जाता है. यह ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन एटम के बाद जो बॉन्ड है इसके दरमियान एक 90 डिग्री का एंगल होता है और ये पानी के मॉलिक्यूल बन जाता है. दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल. थैंक यू वेरी मच.